तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टेंसेस को तो कई बार पढ़ लेते हैं, कम से कम 10 बार, 20 बार, 25 बार, जब तक समझ में ना आएगा तब तक टेंसेस को पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन बच्चे सिंपल सेंटेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जितने आपके टेंसेस जरूरी हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए, उतने ही आपके सिंपल सेंटेंसेस भी जरूरी हैं, क्योंकि टेंसेस की तरह ही सिंपल सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों भागों में देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों भागों में डिवाइड किए गए हैं। ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें भी आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और फ्यूचर सिंपल, लेकिन इनके पीछे सेंटेंसेस होगा, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस और फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। और जो टेंसेज होंगे उनमें होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो आपके सिंपल सेंटेंसेज हैं, ये हमें क्या चीज़ बताते हैं, किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं? तो देखिए, ये क्या करते हैं, हमें किसी वस्तु की अवस्था के बारे में बताते हैं कि उसकी अवस्था क्या है, प्रेजेंट में उसकी अवस्था क्या है, पास्ट में उसकी क्या अवस्था थी, और आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में उसकी क्या आवश्यकता होगी। और किसी वस्तु की या फिर किसी के भाई बहन के बारे में यानी कि किसी के पजेशन के बारे में बताते हैं कि भाई किसी के पास क्या है, क्या नहीं है, किसी के पास कौन सी वस्तु थी, कौन सी वस्तु है और किसी के पास कौन सी वस्तु होगी आने वाले समय में। और ये भी बताते हैं कि उसके कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, ये सारी चीज़ें हमें सिंपल सेंटेंसेज के द्वारा पता चलती हैं। ठीक है, और ये जो आप सेंटेंसेज बनाते हो ना, ही इज़ ए गुड बॉय, आई एम ए गुड टीचर, तो ये क्या है, ये भी हमें सिंपल सेंटेंसेज के द्वारा ही बनाने पड़ते हैं। ये जो सेंटेंसेज हम बना रहे हैं ये सिंपल सेंटेंसेज के द्वारा बने हैं, जो कि किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, कैसा था और आने वाले समय में कैसा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेज के अंदर आते हैं। और बच्चे पता नहीं क्यों सिंपल सेंटेंसेज को इग्नोर कर देते हैं, इनके बारे में पढ़ते ही नहीं है। याद रखना, यदि आपको सिंपल सेंटेंसेज नहीं आते हैं तो आप टेंसेज को नहीं सीख सकते। टेंसेज आपके समझ में तो आएंगे लेकिन आप कभी भी उनको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंसेज में यूज होगी वो ही सेम की सेम हेल्पिंग वर्ब टेंसेज में यूज होती है। अभी आप देखना आगे, सिंपल सेंटेंसेज में भी हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड सब चीजें यूज होती हैं, विल, और यही चीजें सेम टू सेम आपने देखा है टेंसेज में भी यूज होती हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए, उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, इंग्लिश के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, PDF चाहिए, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि टेंस में और सिंपल सेंटेंसेज में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, टेंसेज में हमने लिखा हुआ है इनके द्वारा हम समय और कार्य यानी कि एक्शन वर्ब की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंसेज में लिखा हुआ है इनके द्वारा हम समय और कार्य यानी कि एक्शन वर्ब की बजाय अवस्था, स्वामित्व की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे कहने का मकसद ये है कि जो टेंसेज होते हैं ना, इनमें आपकी वर्ब होती है, इनमें काम होता है, इनमें कार्य होता है, लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं ये विदाउट वर्ब होते हैं, इनमें वर्ब नहीं होती। आप वर्ब यूज करते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो वाली वर्ब सिंपल सेंटेंसेज में नहीं होती है, बल्कि ये वर्ब आपकी टेंसेज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो टेंसेज को और सिंपल सेंटेंसेज को इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं। टेंस हमें क्या बताएंगे, टेंस हमें बताएंगे किसी भी समय के बारे में, जो काम है ना उस काम के समय के बारे में बताते हैं। लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेज हैं ये हमें अवस्था, कौन से समय की अवस्था है, अवस्था क्या चीज बताती है, इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और किस तरह से इनको हम आगे और ज्यादा अच्छे से डिटेल में देखेंगे वो पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल सेंटेंसेज में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तो हमने देख लिया। अब इनको हम प्रेजेंट में इज एम आर, हैज, हैव और डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सिंपल सेंटेंसेज में भी,
ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो, यदि आपने टेंसेज पढ़े हैं तो टेंसेज में भी आपने ये ही हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, इज एम आर, हैज हैव, डू डज, प्रेजेंट में। पास्ट में, पास्ट में क्या यूज करना है, वाज वर, हैड और डिड। जी हाँ, ये सेम की सेम हेल्पिंग वर्ब आपने पास्ट टेंस में भी यूज किए हैं, जो कि आज पास्ट सिंपल सेंटेंसेज में यूज की जा रही है। फ्यूचर में भी विल बी, विल हैव, ये यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कैसे कैसे इनको यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर जो हमने पीछे भी देखा था, हैज, हैव और हैड, इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ है या फिर किसी के पास कुछ था। प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है तो हैज हैव बताएगा, पास्ट में किसी के पास कुछ था तो हैड बताएगा। इसी तरह से जो इनके नेगेटिव सेंटेंसेज होंगे, ये ना जो हैज हैव हैड, इनके यदि हमें नेगेटिव सेंटेंसेज बनाने हैं, किसमें, सिंपल सेंटेंसेज में, टेंसेज में नहीं, सिंपल सेंटेंसेज पढ़ रहे हैं, तो हमें डू, डज और डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा इनके सिंपल जो सिंपल सेंटेंसेज है उनके नेगेटिव बनाने के लिए। इसमें आपको क्या करना है, ये जो हैज हैव है ना, हैज हैव, इनके स्थान पर आपको इनके साथ नॉट नहीं लगाना है, आपको डू, डज और डिड के साथ नॉट लगाकर इसके नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेज बनाने हैं, ठीक है, ये याद आ गया। दूसरा देखिए, इज एम आर और वाज वर, ये हमें किसी की अवस्था, किसी की पोजीशन, किसी के लाइफ के बारे में बताते हैं, किसी के चरित्र के बारे में बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, ये बात हमें इज एम आर और वाज वर यहाँ पर बताएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूं कि कहां पर किसका यूज होगा। तो देखिए, जो आपका इज है और जो आपका हैज है, इज और हैज, ये किसके साथ यूज होगा, और इसमें आप डज को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डज, इज और हैज, ये यूज होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, सी, इट, इनके साथ आपको डज, इज और हैज का यूज करना है। यदि आपको ये वाले सब्जेक्ट दिखते हैं तो आपको डज, इज और हैज का इस्तेमाल करना है। लेकिन यदि आपको वर, आर, हैव, इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं तो आपको क्या करना है, ही, सी, इट को तो छोड़ देना है, क्योंकि ये तो इनके साथ ही हो जाएंगे। अब इनके अलावा जो भी बच जाता है सबके साथ आपको किसका यूज करना है, वर, आर और हैव का इस्तेमाल करना है, यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल, जैसे कि दे बच गया, यू बच गया, देयर बच गया, वी बच गया, है ना, इन सब के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना है। और जो आपके विल भी हैं और विल हैव हैं, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई सा भी पर्सन क्यों ना हो, सबके साथ आपका विल बी और विल हैव यूज हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पजेशन वाले केस में, पजेशन का मतलब है स्वामित्व जब हम दिखाते हैं, तो पजेशन वाले केस में आप हैज हैव और हैड इन तीनों का यूज करते हैं। हैज हैव का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में, हैड का इस्तेमाल होगा पास्ट में। अब किसी के पास कोई वस्तु है, अब यहाँ पर किसी के पास कुछ है, अब जैसे मैं बोल लगूं कि भाई मेरे पास फोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, उसके पास घड़ी है, उसके पास कमरा है, उसके पास घर है, उसके पास माँ है, उसके दो भाई हैं, उसकी दो बहनें हैं, ये तो बन गए प्रेजेंट के सेंटेंसेज। इन्हीं को यदि हम पास्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उसके पास एक लैपटॉप था, उसके पास पैसे थे, उसके पास कार थी, उसके पास दो भाई बहन थे, इस तरह से। तो प्रेजेंट और पास्ट में इस तरह से आप हिंदी में सेंटेंसेज बोलते हैं। अब चलिए इनको बनाना सीखते हैं। हमने यहां पर लिख दिया उसका एक भाई है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज ए ब्रदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ही, सी और इट, इनके साथ आपको हैज का इस्तेमाल करना है। उसका एक भाई है, ही हैज ए ब्रदर, कई बार आप पूछते हैं ना भाई कितने भाई बहन है, आप बोलोगे ही हैज और सी हैज ओनली अ ब्रदर, यानी कि उसके पास केवल एक भाई है, ठीक है। उसका एक भाई था, ये तो हो गया प्रेजेंट का ऊपर, ये सेकंड वाला पास्ट का है, तो प्रेजेंट में हैज हैव लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा, तो कैसे बोलेंगे, ही हैड अ ब्रदर, ही हैड अ ब्रदर, उसका एक भाई था, उसका एक भाई है, इस तरह से। मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं बोल दिया आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। उनके पास फोन था, तो बोलेंगे दे हैड अ फोन, दे हैड अ फोन। उनके पास फोन होगा, तो बोलेंगे दे विल हैव अ फोन, दे विल हैव अ फोन। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर आपने क्या सीखा है, एक ही सेंटेंस को हमने देखिए तीन जगह बना दिया है। उसका एक भाई है प्रेजेंट में, तो बोल दिया ही हैज अ ब्रदर। उसका एक भाई था पास्ट में, तो बोल दिया ही हैड अ ब्रदर, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट और पास्ट। यहां पर मेरे पास गाड़ी है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो मेरे पास कुछ है, तो मैं बोलूंगा आई हैव ए कार, आई हैव ए बैग, आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए कंप्यूटर, आई हैव मनी, इस तरह से, है ना। उनके पास फोन था,
तो बोलेंगे दे हैड अ फोन, उनके पास एक फोन था पास्ट में। यदि अभी प्रेजेंट के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे दे हैव अ फोन, इस तरह से उनके पास फोन होगा, ये है फ्यूचर का सेंटेंस। आने वाले समय में किसी के पास कुछ होगा तो हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बोलेंगे दे विल हैव अ फोन। आपने एक चीज देखी यहां पर कहीं भी वर्ब नहीं है, यहां पर क्या है बताइए, यहां पर किसी वस्तु का नाम है जो हमारे पास है, जो हमारे पास थी, जो हमारे पास होगी। तो इस तरह से आप हैज हैव और हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो डू डज को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो अब आपको क्या करना है, डू डज के साथ नॉट लगाना है और उसके बाद हैव लगाना है प्रेजेंट में, जो किसी के पास कुछ है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, और पास्ट में डिड नॉट हैव लगाना है। अब आपको ये चीज नहीं है कि भाई यहां हैज लगा देंगे या हैड लगा देंगे, नहीं, दोनों में हैव ही आएगा, प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड, सिर्फ इतना होगा किसी के पास कुछ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए उसका एक भाई नहीं है तो बोलेंगे यहां पर ही हैज नॉट अ ब्रदर, है ना। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है, उसका एक भाई नहीं है, ही हैज नॉट अ ब्रदर। लेकिन आपको इस तरह से नहीं बोलना है, ग्रामर के रूल से ये गलत है। आपको किस तरह से बोलना है, आपको बोलना है ही डज नॉट हैव अ ब्रदर, ही डजंट हैव अ ब्रदर, या फिर ही डज नॉट हैव अ ब्रदर, मतलब उसका एक भाई नहीं है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर ये चीज याद रखनी है। कभी आप ये सोचने लोगों की सर ही सी इट के साथ तो है जाता है, आपने हैव कैसे लगा दिया, तो देखिए ये हैव यहां ही सी इट को देखकर नहीं आया है, ही सी इट को देखकर तो डज आया है, ये डज को देखकर हैव आया है। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और यहां पर हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक और देखिए, उसका एक भाई नहीं था तो कुछ बच्चे बोलेंगे ही हैड नॉट अ ब्रदर, भाई उसका एक भाई था तो ही हैड अ ब्रदर, उसका एक भाई नहीं था ही हैड नॉट अ ब्रदर, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। आपको कैसे बोलना है, आपको बोलना है ही डिड नॉट हैव अ ब्रदर पास्ट के लिए। तो आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना है हैव के साथ पास्ट में, और डू और डज, ये डू लगेगा सब्जेक्ट अलग के साथ, डज लगेगा अलग सब्जेक्ट के साथ, ही सीट के साथ आपको डज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो बोलेंगे आई डू नॉट हैव ए कार, ये बिल्कुल सही है। उनके पास फोन नहीं था तो बोलेंगे दे डिड नॉट हैव अ फोन, इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको यूज करना सीख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं सिचुएशन वाले केस में, कि सिचुएशन में हम जब किसी की अवस्था बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो इजमार को और वाजवर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इजमार को इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, वाजवर को इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए। अब कोई कहां पर है, कोई कैसा है, कोई कहां पर था, कोई कैसा था, ये सब हमें ये चीजें बताती हैं। अब देखिए कैसे, वह घर पर है, कई बार आप बोलते हैं ना कहां पर है वो, अब बोलते हैं यार वो तो घर पर है, इंग्लिश में बोलोगे तो बोल दोगे ही इज एट होम। अब आपने सेंटेंस बोल दिया ही इज एट होम, आपने ये सोचा था कभी ये सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल सेंटेंसेस का है, किस चीज से मिलकर बना है, नहीं सोचा ना, तो आज आपको पता चल गया सेंटेंस कैसे बना है। ये सिंपल सेंटेंसेस का सेंटेंस है और यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और एट होम आपका एक तरह से उस जगह का नाम जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, वह स्कूल में था, ही वॉज इन द स्कूल, वह घर पर है तो इज अमार इस्तेमाल कर दिया, पास्ट में कहीं पर था तो वाजवर इस्तेमाल कर दिया, ही वॉज इन द स्कूल, पापा वहां होंगे। अब फ्यूचर की बात की जा रही है, तुम्हारे पापा कल कहाँ होंगे, हमने बोल दिया पापा तो कल अमेरिका में होंगे, दिल्ली होंगे, पटना होंगे, यूपी होंगे, बिहार होंगे, है ना, तो कैसे बोलेंगे पापा विल बी देयर। अब पापा विल बी इन अमेरिका, जो भी आपको बोलना है उस जगह का नाम आप लास्ट में लिख सकते हैं, मैंने खाली देयर लिख दिया कि पापा वहां होंगे। ठीक है, राहुल अच्छा लड़का है। अब यहां पर जो अभी ये जो सेंटेंसेस थे 1, 2, 3, इन्होंने हमें ये बताया कि कोई कहां पर है, कोई कहां पर था और कोई कहां पर होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि किसी के बारे में हम कैसे बताते हैं, कोई अच्छा है, बुरा है, लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, कैसे बताएंगे। तो लिख दिया राहुल अच्छा लड़का है, तो बोलेंगे राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय। अब यदि हमें बोलने लगे कि राहुल अच्छा लड़का नहीं था तो बोलेंगे राहुल वाज नॉट ए गुड बॉय। यहां पर आपको इजमार और वाजवर के तुरंत बाद नॉट लगाना है, यहां पर डू डज और डिड को नहीं पेलना है, कभी आप यहां पर भी पेल दो उनको, ठीक है, उनको नहीं लगाना है। तो राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल अच्छा लड़का था, राहुल वाज ए गुड बॉय, राहुल अच्छा लड़का होगा आने वाले समय में, तो बोलेंगे राहुल विल बी अ गुड बॉय, इस तरह से। ठीक है, वह अच्छा नहीं था तो ही वाज नॉट ए गुड बॉय, वह अच्छा नहीं है ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह अच्छा नहीं होगा तो ही विल नॉट बी अ गुड बॉय, इस तरह से। इस तरह से आप इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ,
उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, हमारा जो कोर्स है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।